नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में बादाम लगाने का तरीका। जैसे दोस्तों मैं अभी आप सभी को दो दिन पहले बताया था कि दोस्तों हम बादाम लगाने का तरीका आपको सभी को जल्दी बताऊंगा, तो दोस्तों आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि बादाम कैसे लगाना चाहिए और किस किस जगह पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या फ्रूट संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों देख रहे हैं बादाम है, बादाम दोस्तों अभी फुला रहा है, अब इसमें से हमें लगाना है तो कैसे लगाना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कहाँ पे लगाना है, जैसे मैं आप सभी को अभी बताता हूँ कि जैसे हम लोग पहाड़ी में दोस्तों बादाम लगाते हैं, तो दोस्तों बादाम वहाँ पर लगाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा मौसम यानी ठंडा रहता है। जैसे हम लोग के यहाँ पहाड़ी एरिया सऊदी में है दोस्तों, यहाँ पर सबको बादाम नहीं होता, जैसे अभी रियाज वगैरह में वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मिट्टी लाल है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। तो दोस्तों बादाम वही जगह पर होता है जहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है। और दोस्तों जैसे कि अभी इंडिया में जैसे कोई भी अगर लगाना चाह रहा है तो दोस्तों जैसे जहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहे वहाँ पे लगाए, और वहाँ पे जैसे कि भी कुछ हमारे एक मित्र रामचंद्र भाई हैं राजस्थान के हैं, वो भी लगाए थे अपने घर पे, बता रहे थे कि हम यार वहाँ पे लगाए थे यानी पेड़ तो जम जाता है लेकिन सूख जाता है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत है तो वहाँ पर सूख जाएगा। तो दोस्तों मिट्टी वो हो जैसे कि ज़्यादा यानी अगर पानी भी ज़्यादा पाएगा तो भी सूख जाए, क्योंकि पेड़ जो हम जहाँ पर आप दिखा रहे हैं वीडियो यहाँ पर भी है, एक पेड़ में मदरम लगाया था तो वहाँ पर जैसे बारिश जब हुई थी, जैसे आप सभी को मैं बीच में दिखाया था कि यानी बारिश की वजह से सब्जियाँ नहीं लगा पा रहे हैं, तो दोस्तों जिसे हम पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर भी सूख जाता। तो दोस्तों मेरे पास दो तीन पेड़ था तो दोस्तों सूख गया था क्योंकि पानी ज़्यादा पाया गया था। और दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा यानी मौसम मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, उस जगह पर दोस्तों होता है। ठंडी तो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन जो है ज़्यादा ना पानी बर्दाश्त करेगा, और अगर पानी यानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं मतलब चलेगा पेड़, यानी सूख जाएगा। और दोस्तों जैसे कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे भी सूख जाएगा। अगर पहाड़ी एरिया में है अगर पानी नहीं पाएगा तो बादाम फरते वक्त अगर पानी नहीं देंगे तो बादाम भले छुटाएगा लेकिन पेड़ सूखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत जवाना से पेड़ लगा हुआ है, सूखे नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब जगह लगाना चाहिए। दोस्तों कैसे लगाना चाहिए हम आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाएं काट के अभी इसे। तो दोस्तों देख रहे हैं ये अभी दोस्तों नई कल्ला है लेकिन दोस्तों इसमें क्या है सब फरे हुए हैं, इसमें कोई काटने का जुगाड़ नहीं है। जैसे ये इधर भी है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फरा हुआ है, ये तुमको वही कैंट करना है जिसमें कम फरा हो। दूसरा दिखाते हैं आपको, जैसे जैसे दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से कल्ला ही निकला हुआ नया, ठीक है ये आया हुआ है, इसमें से हम काट सकते हैं, मुश्किल नहीं क्योंकि इसमें भी कोई कैंट नहीं निकले, निकलेगा लेकिन बाद में निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें इसमें से कटिंग करना है, जैसे यह है बिल्कुल साफ, इसमें कुछ नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं इसको, ये नीचे आ गए, इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं जैसे इसको अभी काटा हूँ, इसमें को देखना कि कहाँ कहाँ से क्या के निकल रही है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये, ठीक है क्या के निकल रही है, तो इस हिसाब से हमको कटिंग करना है ये, ठीक है ये इस हिसाब से काटेंगे हम। तो दिखाते हैं मोबाइल पकड़े इसलिए नहीं सही से बनना है, पहले हम काट लेते हैं आपको दिखाते हैं इससे। तो देखिए दोस्तों मैं जो अभी कटिंग कर लिया हूँ, ठीक है अभी जैसे तो उनके तरीके उसको कट कर लिया हूँ, बस क्या है इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये देख रहे हैं इसमें से ये देख लें, जैसे आगे का हिस्सा है ये हम सारा कुचल दिए हैं इसका, ठीक है छोटा हो या बड़ा हो, जैसे ये अब इसको हम कुचल दें किससे कि दोस्तों जैसे कि अभी ये धूप में जैसे कि हवा में या धूप में जैसे फटेगा नहीं, जब फट जाएगा तो दोस्तों ये यानी पकड़ेगा नहीं, सूख जाएगा, लेकिन इस तरह से रहेगा दोस्तों तो सिर्फ आगे कहीं से यहीं पे सूखेगा, ये सूखेगा और लगाते वक्त हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे, बस आराम से पकड़ लेगा। और लगाना कितना जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गाड़ दीजिए, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके रखिएगा और बाकी पूरा गाड़ दीजिएगा जहाँ पर आपको लगाना है। वैसे हम आपको लगाएंगे तो दिखाएंगे क्योंकि अभी मेरे पास प्लास्टिक नहीं है, लेकिन जब मेरे पास प्लास्टिक आएगी तो हम आपको लगा के दिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो जैसे इस तरह से आप गाड़ काट लीजिए और उसके बाद में जहाँ पर आपको लगाना वो जगह पर लगा दें, एक ना लगाएं जहाँ पर लगाएं दो दो करके इसे लगाएं, ठीक है जहाँ पर लगाएं इसे दो दो करके लगा दें, इतना तक गाड़ दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नया दूसरा तरीका वो भी आपको बताऊँगा लेकिन आज नहीं बताएंगे, दूसरे वीडियो में आपको भी बताएंगे कि जो दूसरा तरीका फल से कैसे लगाएं, जैसे फल से लगाते हैं जैसे ये है फल, इसको किस तरह से लगाएं, फल फल का बादाम है, ठीक है पेड़ से भी थोड़ा हूँ, इसको कैसे लगाएंगे हमको जरूर बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप डांट्स लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये बादाम लगाने का तरीका था। तो दोस्तों आज इतना ही है, मेरे वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताएं, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।